हाय एवरीवन, आजकल की लाइफस्टाइल में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लेडीज़ को। मेरे को आज 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, उसके पहले 3 साल मैं पीजी में भी प्रैक्टिस कर ही रही थी। 25 साल से मैं लेडीज़ देख रही हूँ, पता कोई खास चेंज नहीं है। जो पहले था वैसे का वैसा अभी भी है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट के पीसीओडी इनफैक्ट बढ़ गया है, थायरॉयड प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, जो मैंने आज से 10-15 साल पहले नहीं देखी वो मैं अब देख रही हूँ। और हर एज ग्रुप की लेडीज़ आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं 12 साल 15 साल, ऑब्वियसली मेंसेस जल्दी आते हैं, लड़कियों को 10 साल 9 साल 9.5 साल पे पीरियड्स आ जाते हैं, उसके बाद वो इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे बन गए काउच पोटैटो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि बाहर तो जाते नहीं। मेरे खुद के बच्चे बाहर नहीं जाते, दिन भर गैजेट्स मोबाइल टीवी सब उसी में लगे रहते हैं। तो जो एक्सरसाइज जो हम लोगों की बॉडी में होती थी, जो हमारा एक एनवायरमेंटल जो एक्सपोजर होता था, चाहे वो टॉक्सिन्स हो चाहे वो फ्रेश एयर हो, बट हम घर के बाहर तो निकलते थे। स्ट्रेस किस चिड़िया का नाम है ये हमको पता ही नहीं था बचपन में, बट आजकल जिसको देखो स्ट्रेस में है, या तो पढ़ाई की टेंशन है, या फिर पीयर प्रेशर है, या फिर आगे क्या करेंगे उसका प्रेशर है, या मम्मी पापा ने डांट दिया हमको मम्मी पापा पसंद नहीं है, या फिर बड़े होने के बाद एजुकेशन का टेंशन, करियर का टेंशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का टेंशन, प्रेगनेंसी का टेंशन, मतलब स्ट्रेस का तो आप नाम लो, इट इज़ देयर इन एवरीबडी। छोटे से छोटे बच्चे से लेकर 70 साल तक के आदमी तक, औरत तक, उनको टेंशन है। तो टेंशन की मैं बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज पीसीओडी की बीमारी इतनी बढ़ गई है। पीसीओडी की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे फैकल्टी में, हमारी फील्ड में, गायनी में सबसे ज़्यादा पीसीओडी ही तंग करता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे 2 वीडियोज़ आए मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी, मैंने आपको बताया था हार्मोनल प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा कॉमन पीसीओडी और थायरॉयड है, और ये दोनों स्ट्रेस रिलेटेड है, दोनों ही स्ट्रेस की वजह से होती हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स तो होते ही हैं, बट हेरिडिटरी इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि स्ट्रेस का रिलेशन है। अब इसकी वजह से आपको मेंसेस इररेगुलर होते हैं, आप बचपन से जब आप टीनेज में जाती हैं आपका वेट गेन शुरू हो जाता है, क्योंकि काउच पोटैटो तो वैसे ही है, खाना पीना सब गड़बड़ हो चुका है। वो प्रॉपर जो हम खा के बाहर बर्न आउट करके एक्सरसाइज करके करते तो वो तो होता ही नहीं है। कन्फेक्शनरीज और बेकरीज और फास्ट फूड और सारा ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं, खाने की भी शॉपिंग होती है आजकल, तो सब कुछ आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी, वेट गेन, अब चेहरे पे बाल आ जाना किसी लड़की को पसंद नहीं आता, चाहे वो कितनी भी टॉम बॉय हो, उसको ज़्यादा लुक्स की अपनी चिंता ना हो, तो भी अगर आपके बालों पे, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, आपके बाल पतले हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बॉडी पे बाल आ रहे हैं, आप मोटे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेंशन तो होती है। अब ये सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बॉडी में हार्मोन्स कहाँ से कहाँ निकलते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरी बॉडी हार्मोन से चल रही है। आपके हार्मोन का जो मेन, जो आपका सरदार है, जो आपका, जो कहते हैं ना कि जो आपका मुखिया है, वो यहाँ बैठा है ब्रेन में, जो कि मैं बताया हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, यहीं से सारा कंट्रोल होता है कौन सा हार्मोन कब निकलना है। थायरॉयड, एड्रीनल्स, पैंक्रियाज, आपका यूट्रस, ओवरी, सारे हार्मोन्स इसके कंट्रोल में हैं। और सबसे ज़्यादा जब आप परेशान होती हैं, टेंशन लेती हैं, तो हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। आप मानेंगी या नहीं मानेंगी, पर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को पूछिए जो घर छोड़ के हॉस्टल पहली बार जाते हैं, या फिर अपने मम्मी पापा के घर से निकल के बाहर जाते हैं, उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको वेट गेन शुरू हो जाता है, उनको पीरियड्स के समय दर्द कितना ज़्यादा होता है। स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एग्जाम्स कैन लीड टू लॉट ऑफ पेन, डिसमेनोरिया, ये सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। अब आप सोचेंगी मैं क्या करूँ, मेरा स्टेमिना कम हो रहा है, मेरे को वीकनेस हो रही है। मेरे पास बच्चे आते हैं 13 साल 14 साल, माएँ बोलती हैं मैडम ये तो उठती नहीं, पड़ी रहती है, ना कुछ खाती है, इसको भूख नहीं लगती। अब हार्मोन्स ऐसे क्यों हो गए, क्यों स्टेमिना खत्म हो गया बच्चों का, ब्लड टेस्ट कराओ उसमें कुछ आता नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, माँ बाप कहते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भी क्या दिक्कत है। तो ये सारा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, ये जो आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी जो पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, गैजेट्स के रेडिएशंस, वो मोबाइल के रेडिएशन, टीवी के रेडिएशन, ये सब आपको तंग करते हैं। तो पहली बात तो स्ट्रेस कम करना है पीसीओडी के लिए। दूसरी चीज़, आप चाहेंगे ऐसा कोई सप्लीमेंट जो कि आपको 2-3-4 महीने के अंदर रिजल्ट दे दे, आपकी एपेटाइट इंप्रूव हो जाए, आप सही खाना खाने लगें, थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, आपको बीमारियाँ कम लगें, आप चुस्त फील करें, मतलब कि स्ट्रेंथ फील हो, आपको लगे कि मैं सुबह उठी हूँ तो आज एक अच्छा दिन जाना चाहिए, आज उसके लिए मैं काम करूँ, यानी कि क्यों उठ गई, क्या करूँ, आज का दिन भी कल जैसा ही होना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेस रिलेशन और मेंस्ट्रुअल रिलेशन, पीसीओडी, ये सब बहुत ही कॉमन है। तो आज जो मैं आपको मेडिसिन बताने वाली हूँ आयुर्वेदिक है, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, हॉर्मोन्स दे दे के मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैडम 4 महीने तो हो गए, कब तक टैबलेट लूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ, वो 4 महीने बाद वापस आ जाती है, 2 महीने बाद वापस आ जाती है, मैडम वापस प्रॉब्लम हो गई। तो इसका जड़ से क्या इलाज है, जड़ से इलाज हमारी इंडिया में आयुर्वेदा है, और आयुर्वेदा का जन्म हमारी इंडिया में ही हुआ है। तो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है, ये इसको क्योर भी करती है, टाइम लगाती है, बट जड़ से निकालती है। तो ये टैबलेट है
रीस्टोन टैबलेट जो कि महारिषि आयुर्वेदा की है, आप इसको ट्राई करें। इसको लेने का तरीका, 2 टैबलेट रोज लीजिए और कहते हैं कि 3 महीने के अंदर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा। इस प्रोडक्ट को मैं अपने पेशेंट्स को दे चुकी हूँ और मुझे काफी पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। पीसीओडी की प्रॉब्लम से आपको निकालेगी। पीसीओडी पे काफ़ी मेडिसिन आई हैं जो कि एलोपैथिक भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, एक आध के बारे में आपको पहले बता भी चुकी हूँ, बट कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जिनमें कि वो सारे तत्व हैं, वो सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आपको पूरी तरह से होलिस्टिक इफेक्ट देंगे आपकी बॉडी में। तो महर्षि आयुर्वेदा की ये जो टैबलेट है रीस्टोन, इसका नाम ही मेंस्ट्रुअल हेल्थ है। अब ये क्या करेगा, ये हेल्दी पीरियड्स को सपोर्ट करेगा, आपके हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करेगा और क्लियरली लिखा है कि इसके अंदर 120 टैबलेट्स हैं। अगर आप रोज़ के 2 टैबलेट लेंगे तो 60 दिन यानी कि 2 महीने चलेगी, ठीक है। इट हेल्प्स विद PCOS एंड PCOD, तो इसको आप लीजिए। ये 100% पहली बात तो वेगन है यानी कि वेजिटेरियन है, कहीं भी कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई ऑर्गेनिज्म नहीं डाला है। आजकल मेडिसिन कैसे बनती हैं, किसी भी कीटाणु को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसके जीन्स, उसका DNA चेंज करके उसको मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्योरली वेजिटेरियन है। साथ में इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये लैक्टोज फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, इसमें 100% टॉक्सिन फ्री है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, शुगर फ्री है, तो डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं। कोई कलर, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, हॉर्मोन्स तो है ही नहीं, इसीलिए आयुर्वेदिक है और इसलिए साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। अब अगर हम देखें इसके इंग्रेडिएंट्स, तो इसके अंदर है अशोका जो कि यूट्राइन टॉनिक है, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल को रेगुलर भी करता है, मेंसेस को, और आपके वजाइनल डिस्चार्ज को भी कम करता है। लोधरा है जो कि फीमेल डिसऑर्डर्स जैसे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा उसको कम करता है। नगर मोथा है जो कि कहते हैं कि आपके ब्लड प्योरीफाई है, आपके ब्लड स्ट्रीम को, ब्लड को पूरी तरह से प्योरीफाई करता है और इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन को, मेंस्ट्रुअल पेन को, इन सबको कम करता है। साथ ही में आपको डिप्रेशन आजकल की लेडीज़ में, बच्चों में मैंने बताया बहुत ही कॉमन है, तो डिप्रेशन को कम करने के लिए आपको ऐसी कोई मेडिसिन चाहिए जो आपके ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करे, तो ये वो काम करता है। साथ में इसमें सफ़ेद चंदन है जो कि आपके हॉट फ्लशेस, अब मेनोपॉजल लेडीज़ को हॉट फ्लशेस, गर्मी बहुत लगना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, विजैनल बर्निंग होना, उसमें भी ये फ़ायदा करता है। सिर्फ PCOD के लिए नहीं है, ये इन जनरल फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हॉर्मोन्स को ये बैलेंस करेगा। तो आपको जो नाइट में बहुत पसीना आता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, वो सब कम करेगा। शतावरी एक तरह से आपको एनर्जी देती है, इट रेगुलेट्स योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीपल बेसिकली क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब आपका डाइजेशन खराब होता है, जब जब आपको गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, आपका पूरी बॉडी हिल जाती है, आपका दिमाग सही काम नहीं करता, आपको दिन भर नींद आती है, आपकी सोचने की, याद करने की शक्ति, कुछ भी करने की शक्ति कम हो जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सही होना बहुत ज़रूरी है, पीपल ये काम करेगा। तो एक तरह से प्रोडक्ट आपकी जीवन का रामबाण है, मतलब बेसिकली आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहा है। तो लेके देखो क्या नुकसान है, ये इजीली आपको लिंक जो मैंने दिया है उस पर क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 120 टैबलेट्स, रोज के 2 टैबलेट अगर आप ले भी रहे हैं, बेड टाइम पे ले रहे हैं या दिन में ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा क्योंकि आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपकी जितने भी हार्मोनल इंबैलेंसेस को ठीक करेगा।